स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। यूको बैंक का स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ऑफिसर स्किल वन और ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए जो स्पेशलिस्ट कैडर के लिए जो वैकेंसी आता है, डिटेल आप सभी के सामने है। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से जो है देख लीजिए। इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ, बाद में जाकर के नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए टोटल 9 पोस्ट है, इंजीनियरिंग के लिए टोटल 8 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 2 पोस्ट है, स्टैटिस्टिशियन के लिए 2 पोस्ट है, आईटी ऑफिसर के लिए टोटल 20 पोस्ट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 25 ईच है। टोटल जो है 91 पोस्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा खासा पोस्ट आया है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 को होता है, उसमें जो है 42,000 आपको जो है पेमेंट मिलेगा और स्केल सेकंड के लिए जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 50,000 रुपये जो है आपको पेमेंट मिलेगा। तो पेमेंट जो है काफ़ी अच्छा है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और आपका लास्ट डेट रहेगा 17 नवंबर को रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो इसमें दिसंबर नहीं तो जनवरी में होगा, दिसंबर 2020 नहीं तो जनवरी 2021 में एग्जाम होगा और इंटरव्यू का डेट जो है आपको जो है सेपरेटली जो है बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर आप सर्विस बॉन्ड भी देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको सर्विस बॉन्ड भी भरना पड़ेगा तो इसको भी आप एक बार जो है देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपको जो है सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए 21 से लेकर के 40 तक है, आपको इसमें 60% आपको रिक्वायर है। बाकी आप डिटेल जो है यहाँ पर एक बार जो है आप पढ़ लीजिएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए जो अलग अलग जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार अच्छे से इसको जो है पढ़िएगा अप्लाई करने के पहले। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको 5 ईयर्स का मिलता है। OBC से हैं तो आपको, नॉन क्रीमी लेयर में है तो आपको 3 ईयर्स का मिलता है। PWD से हैं तो 10 ईयर्स का मिलता है। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको भी जाकर के एक बार रीड कर लीजिएगा। आप जो है फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे तरह से जो है नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा और टोटल 200 मार्क्स के लिए रहेगा। कंपोजिट टाइम जो है आपका 2 आवर्स रहेगा। इसमें रेंजिंग में आपको जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेगा। इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रहेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेगा। और आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा उसमें जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें जो आपको 75 मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों, ये एग्जाम का स्ट्रक्चर है, इसको एक बार भी जाकर के अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। टोटल फी की बात करें यानी रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो आप SC ST और PWD के कैंडिडेट हैं तो आपको 118 रुपये भरने पड़ेंगे। जनरल और EWS और OBC के हैं तो आपको टोटल जो है 1180 रुपीज़ भरना पड़ेगा। तो फी जो है काफ़ी ज़्यादा है। बाकी और भी सब इम्पॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पर, एक बार जो है आप जा करके रीड कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। यूको बैंक में जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट आया है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में एज ए कंपेरिजन अब जो है प्रोविजनरी ऑफिसर जो बैंक में आप जो जॉब लगता है उसके कंपेरिजन यहाँ पर थोड़ा सा वर्क कम होता है और पेमेंट भी जो है ज़्यादा होता है, यानी वर्क स्ट्रेस जो है कम होता है। तो इसके लिए जो है ज़रूर जो है अप्लाई कीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अपने चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को मैं इसके लिए गाइड करते रहूँगा, आप सभी को जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल रहेगा मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल का भी लिंक दे दिया हूँ, उसे जो वहाँ से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक का आपको लिंक दिया हूँ और अपने चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।